सोमवार को बिलासपुर जिला खनिज परिवहन संघ द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें खनिज परिवहन संघ ने आने वाले दिनों में ठेका पद्धति के खिलाफ काम बंद करने का निर्णय लिया था, उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रायपुर संघ की ओर से मुख्यमंत्री से बैठक कर अपनी मांगों को रखा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें उनकी मांगे जल्द पूरी होने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपना बंद का निर्णय रद्द कर दिया। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पुनः हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। सीएम साहब से अभी उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोग को कि आप लोग की सारी मांगों को रखा जाएगा, माना जाएगा, आप लोग स्ट्राइक मत करो। इसलिए जब तक 10 दिन हम लोग देखते हैं, जब तक पॉलिसी आती है, पॉलिसी हम लोग के फेवर में आएगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आई तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। के साथ हमारे रायपुर बेंच की मीटिंग के साथ ये आश्वासन मिला है कि यह हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और विचार करके इसका निराकरण करेंगे, यह प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यह जो हड़ताल थी हम कुछ दिनों तक लिए स्थगित कर रहे हैं। अभी हम माननीय कलेक्टर साहब महोदय से मिलेंगे और कलेक्टर महोदय को मिल करके अपना विरोध वहाँ प्रकट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया हमारी ये मांग जो है इसको सही तरीके से रखी जाए और हमारी मांग पूरी की जाए, ताकि हमारे जो आ रही परेशानी